मॉर्निंग, हरे कृष्णा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल फॉर योर सक्सेस, वेलकम टू ऑल इन योर न्यू क्लास इन न्यू सेशन। मैं आपकी हिंदी टीचर निवेदिता। आज हम हमारी हिंदी का पाठ एक उठो लाल पढ़ेंगे। यह एक कविता है और यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरि ओध भी बोलते हैं, ये इन इस कविता के कवि का नाम है, इन्होंने ये लिखी है। ठीक है बच्चों, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, है ना। तो इसमें क्या बोल रही है, देखो ये चित्र देखो, चित्र के हिसाब से क्या है, एक मम्मी है, उनका बच्चा सो रहा है, उसको उठा रही है, लाल मतलब बेटा, है ना। उठो लाल बेटा अब आंखें खोलो, और मैं पानी लेके आई हूँ तो अपना मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, दल का मतलब समूह, रात के समय क्या हुआ है, कमल के बहुत सारे फूलों के समूह खिल गए हैं, उनके ऊपर भौरे झूले, और फूलों के ऊपर जिस तरह से भंवरे मंडराते हैं तो कमल के ऊपर भी क्या हो रहा है, भौरे झूल रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभे न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। अब क्या है, जैसे ही सुबह हो गई तो क्या होता है, सारी चिड़ियाएं पेड़ों पर चहचहाने लगती है, और ठंडी ठंडी सुंदर अच्छी सी हवा भी बहती है। नभ में प्यारी लाली छाई, नभ मतलब आसमान, और लाली क्या होता है, लालिमा, सूरज की लालिमा। तो सुबह जब सूर्य उगता है ना, सूर्योदय के समय आसमान एकदम लाल लाल अच्छा दिखता है। धरती ने प्यारी छवि पाई, छवि मतलब शोभा सुंदरता, और नभ में जो सूरज की लाली है ना, उसमें क्या हो रहा है, धरती बहुत सुंदर दिख रही है। भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय मत खो, मेरे प्यारे अब मत सो। भोर मतलब सुबह हो गई है और सूरज उग गया है, और सूरज की जो किरणें हैं वो जल में मतलब नदियों के पानी पर पड़ रही है, झीलों के पानी पर पड़ रही है, तो वो क्या हो गया है, सुनहरा दिख रहा है पानी भी उस सूरज की छाया से, और इतना सुंदर बाहर का जो वातावरण जो इतना सुंदर है, इसको मत खो, और मेरे प्यारे बच्चे अब उठ जाओ, ऐसा उस बच्चे की माँ उसको कह रही है। संदेश, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये जो हमने कविता पढ़ी, इसमें कवि हमको क्या बता रहे हैं कि हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए, है ना। अगर हम देर से सोएंगे तो प्रकृति की इस सुंदरता को हम नहीं निहार सकेंगे। तो आप सभी बच्चे भी रोज़ सुबह अब जल्दी उठा करो, ठीक है। अब आप सभी बच्चों को इस कविता को सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है और इसे याद भी करना है, यह आपका होमवर्क है। थैंक यू, हरे कृष्णा।